हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा अकेडमी। आज इंग्लिश विषय के बारे में बात करेंगे और अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे व्यापम की तैयारी करने वाले हो, चाहे रेलवे की तैयारी करने वाले हो, सभी एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चन बनता है साथियों। तो हम लोग इंग्लिश विषय के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं साथियों। तो इंग्लिश में क्या होता है, अधिकतर स्टूडेंट इस विषय को छोड़कर चले जाते हैं या तो इस सब्जेक्ट को अच्छे समझ नहीं पाते हैं तो उसको अटेम्प नहीं कर पाते हैं, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में कठिनाई प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी कठिनाइयों को, उन समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो आज हम एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो चलिए साथियों, सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साथियों, सबसे पहले इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ ग्रामर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑफ ग्रामर के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि बेसिक ऑफ ग्रामर में हमको क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है और क्या क्या चीज हमको नॉलेज में हमको ग्रामर में। इंग्लिश एक प्रकार का क्या है, इंग्लिश एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश एक प्रकार का क्या है, लैंग्वेज है, अर्थात एक प्रकार का क्या है, भाषा है। एक प्रकार का क्या है, भाषा है। तो कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसका ओरिजिन क्या होता है, उसकी उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, उसकी उत्पत्ति होती है साउंड से। कहां से होती है, साउंड से। साउंड से क्या होता है, साउंड को क्या किया जाता है, साउंड को एक सिंबल प्रदान किया जाता है, एक चिन्ह प्रदान किया जाता है। क्या करेंगे, एक चिन्ह यदि हम प्रदान करते हैं, ठीक है, और इसी सिंबल को, इसी चिन्ह को क्या कहा जाता है, इसी चिन्ह को कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटर। ये मालूम होगा आप लोगों को। तो साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है, लेटर, ठीक है। तो चाहे इंग्लिश विषय की बात हो, हिंदी विषय की बात हो या अदर विषय की बात हो, सबसे पहले उसका ओरिजिन या उत्पत्ति कहां से होता है, साउंड से होता है। तो साउंड को हम क्या करते हैं, एक सिंबल देते हैं, एक चिन्ह प्रदान करते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, लेटर बनता है। दूसरा, लेटर के बाद हमारा क्या आता है, लेटर। लेटर को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। लेटर को क्या कर दिए, सिस्टमेटिक अरेंज कर दिए। तो सिस्टमेटिक अरेंज करने पर क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है साथियों, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड। एकदम बेसिक जानकारी है, इसको आपको जानते भी हो और जानना भी चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए, इसके बाद क्या होता है, लेटर को हमने क्या किया, सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया, तो वो कहलाएगा वर्ड। और इन्हीं वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सेंटेंस। वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं साथियों वर्ड की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, वर्ड की बात करेंगे। अब देखिए, इंग्लिश में वर्ड से पहले थोड़ा सा लेटर के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में, लेटर के बारे में, तो जो लेटर होता है ना, लेटर जो होता है इंग्लिश में 26 कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर, 26। 26 में, 26 में एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इसके अलावा एक और भाग होता है, इसके अलावा एक और भाग होता है, वो होता है सेमी वॉवेल। वॉवेल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, सेमी वॉवेल अर्ध स्वर, सेमी वॉवेल अर्ध स्वर। तो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल आता है। ये एकदम बेसिक चीज है। अब इसमें देखिए, इसमें खास बात क्या है, उस खास बात को मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, इसमें खास बात ये है, जो लेटर होता है इसमें तीन पोर्शन को हमने बांटा है, है ना। देखिए, तीन पोर्शन में, लेटर में तीन पोर्शन, लेटर में हमारा तीन पोर्शन है, एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट और एक सेमी वॉवेल। अब देखिए, सभी की खास बात यह है, इसकी खास बात यह है, देखिए वॉवेल कितने होते हैं, पांच।
कंसोनेंट कितने होते हैं? 21 होता है, ठीक है, टोटल मिलाकर 26 हो गया। लेकिन दो वर्ड जो होता है सेमी वॉवल में आता है, दो वर्ड 21 में से इसमें चले जाता है, मतलब सेमी वॉवल में आता है। सेमी वॉवल में दो वर्ड है, एक है W और एक Y। W और Y किसमें आता है? सेमी वॉवल्स में आता है। W और Y किसमें आता है? सेमी वॉवल्स में आता है। 26 लेटर में आपका A to Z 26 आप लोग को मालूम भी होगा, ठीक। तो देखिए, अब देखो वॉवल में कौन कौन सा है, A, E, I, O, U। इस लेक्चर को ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, कि इसको आप लोग जानते भी हो, लेकिन इसमें ऐसा चीज बताऊंगा जिसको आप लोग परिचित नहीं होंगे। तो देखिए A, E, I, O, U, उसके बाद W और Y क्या होता है? सेमी वॉवल होता है। W और Y क्या होता है? सेमी वॉवल। इसके पहले जो भी आर्टिकल यूज होता है वो हमेशा एन आर्टिकल का यूज होता है, जैसे एन येलो पेन ऐसा बोल दिया, तो एन यहां यूज होगा, आर्टिकल एन वाई के पहले। हालांकि वाई क्या है? सेमी वॉवल है इसी वजह से, लेकिन उसको कॉन्सोनेंट नहीं मानना है। तो वाई के पहले क्या होगा? जो भी शब्द रहेगा वाई से शब्द प्रारंभ होगा तो वहां क्या लगेगा? एन आर्टिकल का यूज होता है, जिसको भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, अब आते हैं कि वास्तव में ए टू जेड में 26 लेटर होता है, लेकिन वॉवल हो गया 5, कॉन्सोनेंट हो गया 21। अब इसका अंग्रेजी में रोल क्या है? इसका वॉवल का, कॉन्सोनेंट का, सेमी वॉवल का अंग्रेजी में रोल क्या है? और वास्तव में यदि देखा जाए, वास्तव में हम यदि बात करें, किसकी बात करें? वॉवल का। तो जो भी वर्ड बनता है, ध्यान रखना, जो भी वर्ड बनेगा उसमें वॉवेल अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य रूप से होता है। जैसे देखो, जैसे मैं लिखता हूं दो वर्ड का लिखा, जैसे मैं दो वर्ड का कोई शब्द लिखता हूं, जैसे दो वर्ड में मैं जैसे लिखा इन मतलब में, पर सभी यूज होता है। जैसे मैं लिखा एट, इसका मतलब भी पर, आन पर, जितना भी आप दो वर्ड का मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे चाहे दो लेटर का हो, ठीक है, दो वर्ड का बना है कि नहीं मतलब इसमें दो लेटर का यूज हुआ है, उससे क्या बना? वर्ड बना। तो इन एक वर्ड है, दो लेटर है, एट पर, आन पर। तो इसमें भी देखो, इसमें खास बात यह है, इसमें देखो दो लेटर से मिलकर, पहला लेटर सेकंड लेटर, दो लेटर से मिलकर क्या बना है? एक वर्ड बना है कि नहीं? दो लेटर का वर्ड कहलाया। तो इसमें आई क्या है? वॉवेल कंपल्सरी होता है, ध्यान रखना। इसमें देखो एट में ए है, इसमें देखो ओ है, ठीक है, या तो वॉवेल होगा या तो सेमी वॉवेल होगा, ये अनिवार्य होगा ही होगा, चाहे आप जितना भी वर्ड बनाएंगे, चाहे दो अक्षर का हो चाहे तीन अक्षर का हो। तीन अक्षर के जैसे वर्ड देखते हैं, तीन अक्षर का वर्ड, थ्री लेटर का वर्ड यदि देखें, देखो तीन अक्षर का यदि हम वर्ड देखते हैं, समझना ध्यान से, तीन अक्षर का वर्ड देखिए, थ्री लेटर का हम लोग क्या बनाते हैं? जैसे वर्ड बना दिए, थ्री लेटर से हम लोग क्या बना दिए? वर्ड बना दिए। जैसे मैं लिखा ट्राई। अब देखिए यहां तीन लेटर का क्या बना? शब्द बना केट, बिल्ली, ट्राई, रोना चिल्लाना, ट्राई प्रयास करना, ठीक। देखिए यहां पर तीन लेटर, समझते जाओ, ध्यान से समझना, केट में तीन लेटर है, इसमें वॉवेल है कि नहीं? ए क्या है? ए वॉवेल है। इसमें वाई क्या है? सेमी वॉवेल, मतलब वॉवेल आया कि नहीं आया। तो कोई भी वर्ड ध्यान में रखना, कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के कंप्लीट नहीं होता है। तो वॉवेल की ये विशेषता है कि वॉवेल हमेशा किसी ना किसी वर्ड में अनिवार्य तत्व होता है।
ठीक है, तो धारा ट्राई में देखो y क्या है, ये भी y, इसमें y क्या है, सेमी वावेल, y क्या है, सेमी वावेल। तो लेटर की यही विशेषता है कि लेटर से जो भी वर्ड बनेगा, जो भी वर्ड बनेगा उसमें वावेल अनिवार्य रूप से होगा ही होगा, चाहे दो लेटर का वर्ड बनाओ, चाहे तीन लेटर का वर्ड बनाओ, चाहे चार लेटर का बनाओ, चाहे पांच लेटर का बनाओ, लेकिन जो वर्ड बनेगा उसमें एक अनिवार्य रूप से क्या होगा, वावेल होगा ही होगा, मतलब वावेल मतलब स्वर होगा ही होगा, व्यंजन और अर्थ और अर्ध स्वर, ये कहा जाएगा आपका अर्थ। ठीक, तो इसमें आपको इस चीज को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्ड, है ना, वर्ड हमारा हो गया। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड के लिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है, दो लेटर क्या होना चाहिए, दो लेटर क्या होता है, अनिवार्य। ठीक, दूसरा पॉइंट वर्ड का क्या होगा, वर्ड का क्या होगा, मीनिंग निकलेगा, वर्ड का क्या निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, तभी वो वर्ड होगा, मीनिंग नहीं होगा उस शब्द का तो वर्ड नहीं कहलाएगा। है तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक वर्ड में एक वावेल या सेमी वावेल क्या होता है, अनिवार्य, सेमी वावेल क्या होता है, अनिवार्य होता है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बाद किसमें आएंगे, वर्ड के बाद आएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस में, किसमें आएंगे, सेंटेंस में आएंगे, किसमें आएंगे, सेंटेंस में आएंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए सेंटेंस जो होता है ये होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है सेंटेंस के बारे में, ध्यान रखना, ध्यान समझते जाना, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, और इसका क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग, इसका क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है, शब्दों का समूह है, क्या है, वर्ड शब्दों का समूह, जिसका क्या होता है, पूर्ण अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले। तो पूर्ण अर्थ कैसे निकलेगा, तो पूर्ण अर्थ निकलने के लिए सेंटेंस का एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका संरचना होता है, संरचना क्या होता है, सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले नंबर में, वर्ब सेकेंड नंबर में, और ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर में। सामान्य संरचना होता है किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सामान्य संरचना होता है। तो सेंटेंस क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो सेंटेंस कहलाता है, और सेंटेंस का क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ वर्ड में दो चीज और है, ग्रुप ऑफ वर्ड में एक होता है फ्रेज, एक फ्रेज, और एक होता है प्लस फ्रेज। फ्रेज क्या है, वाक्यांश है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड में आता है, इसमें आता है ग्रुप ऑफ वर्ड में, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा बाई ट्रेन, ठीक है, इन हाउस, इस प्रकार से कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। क्लास में इसका भी कंप्लीट मीनिंग, ये भी इसका कंप्लीट मीनिंग हो सकता है, ठीक है, और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता है।
नहीं हो सकता है। इसका दोनों है, क्लास वास्तव में क्या है, सेंटेंस का ही सब पार्ट है, इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग हमेशा क्या होगा, पूर्ण होगा, ठीक है। जबकि इसमें ये भी दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, मतलब इस वजह से इसको डिपेंडेंट क्लास और इनडिपेंडेंट क्लास दो क्लास में बांटते हैं, ठीक है। तो क्लास हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास, ठीक, चलो। तो देखो इसके बाद हम लोग मेन चीज बात करेंगे, किसके ऊपर बात करने वाले हैं, सेंटेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर। तो सेंटेंस में बात करेंगे, सेंटेंस में एकदम हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा, सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब समझना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट तीसरा नंबर में है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा, चाहे वो वर्ब मेन वर्ब के रूप में रहे चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक। जबकि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता। वर्ब को बोलते हैं क्रिया, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं कर्म। अब कर्ता क्या है, कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला, कर्ता क्या बोलते हैं, कार्य करने वाला, अर्थात ये डूअर है, डूअर भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, डूअर या इसी को बोल सकते हैं एक्टर, मतलब जो कार्य करने वाला, ठीक है, डूअर या एक्टर। वर्ब क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है, कार्य जो कर रहा है सब्जेक्ट, चाहे डूअर हो चाहे एक्टर, ठीक, कौन सा कार्य हो रहा है, मतलब आप प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, आप रीड कर रहे हो, आप स्लिप कर रहे हो, तो आप कौन सा कार्य कर रहे हो, वो किस में आएगा, वर्ब में, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस पर तुम कार्य कर रहे हो, किस पर तुम कार्य कर रहे हो, किस पर, किस पर आप कार्य कर रहे हो, वो कार्य किस पर हो सकता है, वस्तु पर हो सकता है, जीव पर हो सकता है, ठीक है, किसी के ऊपर हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण समझते हैं, इसको क्या करते हैं, उदाहरण समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे समझना, जैसे देखो, जैसे मैं लिखता हूं, समझना, ध्यान से समझते जाना, क्लास को अच्छे से अटेंड करें। चलिए देखो, जैसे मैं लिखा राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ठीक, राम अ बुक, एक पुस्तक, रीड मतलब पढ़ना, पढ़ता है, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर समझना, यहां पर राम क्या कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, खुद इस वर्ब पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, तो राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, राम क्या हुआ, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, क्या हुआ, कर्ता। अब क्या कार्य हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, तो रीड, रीड मतलब पढ़ना, मतलब ये क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो क्रिया हो गया, रीड क्या है, क्रिया। अब यहां पर अब इस पर कार्य हो रहा है, किस चीज को पढ़ रहा है, राम पढ़ तो रहा है लेकिन किसको पढ़ रहा है, तो बुक को पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है, मतलब ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट,
अर्थात ये क्या है कर्म, अर्थात ये क्या है कर्म है, जबकि ऋण क्या है क्रिया है अर्थात कर्म है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर समझना सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, जैसे मैं बोलूंगा राम रीड्स, राम पढ़ता है, सेंटेंस कंप्लीट है, अब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमने यहां ले लिया। ठीक, तो इसको आपको समझना है, चलो समझ में आया होगा, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, देखो अब देखो जो हमारा सब्जेक्ट है, अब पहला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं, कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट पकड़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा ये दो प्रकार से बटेगा, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट को दो प्रकार में बांटते हैं, कौन कौन सा प्रकार, ग्रामर के दृष्टिकोण से दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक होता है नाउन, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा नाउन करेगा, यदि नाउन नहीं है तो कौन करेगा प्रोनाउन करेगा, कौन करेगा प्रोनाउन करेगा, सब्जेक्ट का काम पहले कौन करेगा नाउन करेगा, या तो कौन होगा प्रोनाउन कार्य करेगा सब्जेक्ट का, दोनों में से कोई एक ही रहेगा वो क्या होगा सब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका क्या बनेगा नाउन होगा या तो क्या होगा प्रोनाउन। अच्छा नाउन और प्रोनाउन क्या है, नाउन देखिए जिस वस्तु का, जिस स्थान का, जिस व्यक्ति का क्या है नाम है, सिंपल शब्द में बोले तो नाउन क्या है एक नाम है, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान जिसका भी नाम है वो नाउन है। अब नाम है जैसे मैं बोला राम, ये नाम है। अब देखिए प्रोनाउन आप किसको बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे जिसका नाम ना हो लेकिन नाम के बदले क्या हो प्रयोग हो, वो क्या कहलाएगा प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मैं राम ना बोल के क्या बोलूंगा वह बोलेगा, तो वह को क्या बोलेंगे ही, तो ही क्या है आपका प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो राम ना बोलकर मैं क्या बोलता हूं वह, जैसे राम पढ़ता है तो मैं बोलूंगा वह पढ़ता है, ठीक है, तो प्रोनाउन क्या हो गया ही, जबकि नाउन क्या हो गया नेम हो गया, तो नाउन नेम है, वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है नाउन या तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक समझ में आया, और वर्ब तो फिर एक्शन वर्ब होता है। ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने सेंटेंस का पहला पार्ट पकड़ते हैं, है ना, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है पहला चीज हमने क्या पढ़ा, या तो ये क्या होगा नाउन होगा या क्या होगा प्रोनाउन होगा। दूसरी इसकी खास बात क्या है, दूसरी इसकी खास बात ये है सब्जेक्ट की, कि यह जो है सब्जेक्ट जो है यह सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, या प्लूरल अर्थात बहुवचन हो सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे सिंगुलर और प्लूरल समझना, जैसे मैं लिखा बॉय, बॉय मतलब लड़का, ठीक है, इसमें मैं एस जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया बॉयज। जैसे मैं लिखा गर्ल, गर्ल में मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया गर्ल्स। समझते जाना, एकदम आसान चीज बता रहा हूं, समझते चले। देखिए बॉय सिंगुलर मतलब एक वचन, इसमें मैं क्या जोड़ा एस जोड़ा तो बॉयज बना, मतलब क्या बन गया ये प्लूरल अर्थात क्या बना बहुवचन। ठीक, इसी प्रकार से गर्ल में एक वचन है, इसमें मैं क्या जोड़ा एस जोड़ा
तो गर्ल्स बना, ये क्या हो गया बहुवचन हो गया। ठीक है, अब देखो इसी सब्जेक्ट का समझना, इसी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है ना, इसी सब्जेक्ट का हम, इसी सब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ क्या करते हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या कराते हैं, समझौता कराते हैं। क्या कराते हैं, समझौता कराते हैं। क्या कराते हैं, समझौता कराते हैं, समझौता कराते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसको कैसे समझौता कराएंगे, कैसे एग्री कराएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे समझौता होता है, याद रखना सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा हमेशा और हमेशा, या सिंगुलर और प्लुरल हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा सिंगुलर और प्लुरल। अब देखें कि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब को भी, किसको, वर्ब को भी एक वचन होना चाहिए। वर्ब को क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। इधर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन होगा। दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा हमारा सेंटेंस का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर होगा, यदि सब्जेक्ट जो है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन, सब्जेक्ट क्या है बहुवचन है, तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा बहुवचन होगा, वर्ब भी क्या होगा बहुवचन होगा। और इसके साथ ऑब्जेक्ट ये अनिवार्य नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो देखो, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट जैसे मैं लिखा था बॉय, इसमें एस जोड़ा तो बॉयज बन गया, है ना, गर्ल, इसमें मैं एस जोड़ा तो क्या बन गया गर्ल्स बना। तो ये हमारा क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बात करेंगे वर्ब के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वर्ब क्या होगा, वर्ब में समझना, वर्ब में ध्यान रखना एक चीज, वर्ब में यदि, वर्ब में यदि एस या ईएस नहीं लगा है, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है या आईईएस, ये तीनों नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वर्ब जो होता है, इसका मतलब वर्ब क्या है बहुवचन, वर्ब क्या है बहुवचन। वर्ब का भी दो पार्ट है, एक एकवचन और एक बहुवचन, समझते जाना ध्यान से क्या होगा, यदि एस या ईएस नहीं लगा है तो वर्ब क्या होगा बहुवचन। ठीक है, जैसे समझना, जैसे मैं लिखा यहां, समझना बहुवचन प्लस एस ईएस आईईएस बराबर एक वचन, ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, देखिए समझना स्ट्रक्चर को, ध्यान से समझना, ये दोनों कंबाइन करके हम लोग सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिखा प्ले, प्ले क्या है बहुवचन, एस एस लगा है क्या, अब इसमें मैं एस जोड़ दिया तो क्या बनेगा ये प्लेस, अब ये क्या हो गया एकवचन हो गया। उसी प्रकार जैसे मैं लिखा, उसी प्रकार जैसे मैं लिखा गो, लिखा गो क्या है वर्ब है, जाना क्रिया है, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा ई एस जोड़ूंगा तो क्या बनेगा ये गोस, अब ये क्या हो गया एकवचन। अधिकतर क्या होता है मिस्टेक कर जाता है, इसमें मिस्टेक होता है ई एस या एस लगाते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं एकवचन की जगह बहुवचन। लेकिन ये किसमें होता है सब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट में होता है अर्थात सब्जेक्ट में होगा तो किसमें हो सकता है, चाहे नाउन में होगा चाहे प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन वर्ब में बिना एस या ईएस वाला शब्द वो क्या होता है बहुवचन ऑलरेडी होता है, उसको हम क्या करते हैं एस ईएस आईएस लगाकर क्या करते हैं एकवचन बनाते हैं। ठीक है, वर्ब के और रूप है,
बहुवचन एकवचन के अलावा V1, V2, V3, V4, ING फॉर्म बहुत सारा फॉर्म, लेकिन मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? प्ले, गो, ये V1 कैटेगरी का है, और एक इसमें आता है बहुवचन का, ये V1 और ये बहुवचन में आएगा। तो देखिए इन ही दोनों का हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि सेंटेंस में इन दोनों का कैसे अरेंज होता है। तो देखो उसको समझते हैं, है ना। जैसे मैं लिखा बॉय रीड अ नोवेल, ठीक। दूसरा सेंटेंस में लिखा बॉय रीड्स अ नोवेल, ठीक। तीसरा सेंटेंस में लिखता हूं गर्ल रीड अ नोवेल। चौथा सेंटेंस में लिखता हूं गर्ल रीड्स अ नोवेल। पांचवा सेंटेंस लिखता हूं गर्ल्स रीड अ नोवेल। लास्ट सेंटेंस लिखता हूं मैं गर्ल्स प्ले अ नोवेल। अब देखो इसको हम लोग समझेंगे, है ना, कि इसमें कुछ कुछ सेंटेंस में क्या लिखा हूं बीच में गलत लिखा हूं, कुछ सेंटेंस इसका सही भी है, तो इसी को पहचानना है। तो देखिए कैसे पहचाने। अब देखो बॉय जो है, एक चीज याद रखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एकवचन इसको बताया हूं, तो वर्ब भी क्या एकवचन, वर्ब भी क्या एकवचन, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट यदि क्या है, सब्जेक्ट बहुवचन, सब्जेक्ट बहुवचन, तो वर्ब भी क्या होगा बहुवचन होगा, ठीक। चलिए अब समझ, देखिए पहला सेंटेंस बॉय रीड अ नॉवेल, बॉय रीड अ नॉवेल एकदम बेसिक चीज। देखिए बॉय क्या है, अकेला है एक वचन, सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन, रीड, रीड को बताओ, मैं क्या बताया हूं यहां, जब एस या ईएस नहीं लगता है, ध्यान समझना, इसको नोट करके चलना है कॉपी में हम लोगों को, ठीक। देखिए एस या ईएस नहीं लगा है या आई एस नहीं लगा है तो वर्ब क्या होता है, विवर फॉर्म और बहुवचन, तो ये क्या है बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे लगा है क्या इसमें, नहीं लगा है, है ना। तो एक वचन बहुवचन कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या सब्जेक्ट और वर्ब का, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ये सेंटेंस आपको एग्जाम्पल दे सकता है, सेंटेंस आपको क्या हो सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है इधर फाइंड आउट करने के लिए, सेंटेंस करेक्शन के लिए, सेंटेंस कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो बेसिक समझना आपको, देखिए बॉय रीड अ नोवेल, ठीक। देखिए सेकंड सेंटेंस बॉय एक वचन, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, रीड में एस लग गया, जैसे प्ले में बहुवचन एस लगा तो प्ले हुआ एक वचन बदला, उसी प्रकार से रीड में पढ़ना वर्ब है, इसमें एस लग गया, एस लगा मतलब क्या हो गया एक वचन में बदल गया, इसमें बदल गया एक वचन में, ये बदल गया, अर्थात ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा सही हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया सही हो गया। अब देखो यहां पर गर्ल सेम है, गर्ल क्या है एक वचन, जबकि ये रीड क्या है बहुवचन, तो ये सेंटेंस क्या होगा गलत। उसी प्रकार इसमें ये क्या है एक वचन, रीड बहुवचन, रीड बहुवचन, ठीक है ये एक वचन, सॉरी रीड्स हो गया एस लग गया तो ये एक वचन, तो दोनों एक वचन अर्थात सेंटेंस हमारा सही, सेंटेंस क्या हो जाएगा सही। अब देखो अब यहां पर जो गर्ल है, जो नाउन है या जो सब्जेक्ट है वो क्या है एस लग गया है। अब देखो यहां नहीं लगा था, इसमें क्या है एस लग गया, इसमें इसमें एस लग गया मतलब ये क्या हो गया बहुवचन, ये क्या हो गया बहुवचन, मतलब सब्जेक्ट में यदि एस लगाते हो तो बहुवचन,
लेकिन वर्ब में एस लगाए तो क्या बदल जाता है, एक वचन, दोनों को ध्यान रखें। चलो अब देखिए, ये बहुवचन हो गया, तो गर्ल्स रीड, ये क्या है अपने आप में क्या होता है, बहुवचन, तो गर्ल्स रीड अ नॉवेल, ठीक सही है, सेंटेंस क्या है सही है, बहुवचन दोनों हो गया, प्लुरल हो गया। अब देखो गर्ल्स बहुवचन प्ले, ये भी क्या हो गया बहुवचन, तो सेंटेंस ये भी क्या है हमारा सही, यहां प्ले लिख देता तो गलत होगा, ठीक, तो इसको आपको क्या करना है नोट करना। चलिए इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस करेक्शन प्रीवियस ईयर एग्जाम। अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस करेक्शन संबंधित, इसमें कौन कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, न्यूज इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस है न्यूज आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस हमारा सही है और एक सेंटेंस गलत है। तो देखो कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, इसके लिए हमको ध्यान में यह रखना है कि जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यदि एक वचन तो वर्ब भी क्या एक वचन, इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट यदि बहुवचन तो वर्ब भी क्या होगा बहुवचन, तो उसके लिए हमको साथियों ध्यान में यह रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट एक वचन है कौन सा बहुवचन है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए जैसे न्यूज बहुत बार एग्जाम में पूछता गया था, रेलवे बैंकिंग बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है, रेलवे बैंकिंग एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। देखिए तो न्यूज इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, अब देखो न्यूज जो वर्ड है ये वर्ड है आपका एक वचन, अब यदि इसी को ले जानो कि बहुवचन एस लगा है, एस नहीं है, न्यूज वर्ड ही अपने आप में है, कंफ्यूजिंग के लिए देता है, न्यूज एक वचन है तो वर्ब भी क्या होगा एक वचन, इज क्या है एक वचन, इज क्या है एक वचन, तो सब्जेक्ट एक वचन वर्ब एक वचन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पहला सेंटेंस हमारा क्या होगा सही होगा, पहला सेंटेंस क्या होगा सही होगा, जबकि दूसरा सेंटेंस न्यूज एक वचन आर बहुवचन, तो सेंटेंस का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा, इस वजह से क्या हो जाएगा गलत। दूसरा रेलवे बैंकिंग में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है केटल, सब्जेक्ट प्रारंभ में आता है हमेशा, तो केटल मतलब होता है पशुधन, पशुधन, ठीक है, केटल पशुधन, और इज आएगा कि आर आएगा, इसमें दो सेंटेंस है, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, दूसरा है केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस सही होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और इस क्वेश्चन को इसको आपके एसीएफ एग्जाम, इसमें एसीएफ एग्जाम 2017 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी ध्यान देना, एसीएफ 2017 में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, दूसरा केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब देखिए हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है केटल, ये क्या है हमारा बहुवचन है, ये क्या है बहुवचन, केटल क्या है बहुवचन है, लेकिन इज क्या है एक वचन है, तो मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब केटल बहुवचन आर बहुवचन मैच हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, चाहे वर्ब मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो केटल बहुवचन आर बहुवचन, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, और इसको एग्जाम में आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, एसीएफ 2017 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी से संबंधित क्या होता है एरर बनता है, और आप लोगों को क्या होगा मैं पढ़ाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा नाउन एक वचन है कौन सा नाउन बहुवचन है, किसको हमेशा एक वचन में लेना है, कौन से शब्द को कौन से शब्द को हमेशा बहुवचन में लेना है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो कि सेंट्रल टेट के एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, सीटेट में एकदम बेसिक जानकारी है समझना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज क्या कहलाता है फोनोमी, क्या कहलाता है फोनोमी मतलब वर्ड, किसमें पूछा जा चुका है सीटेट
एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है 2020 में। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड का क्या कहलाता है? फोनोमी कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, शब्द का सबसे छोटा इकाई, शब्द का छोटा इकाई क्या कहलाएगा? मार्फोमी। क्या कहलाता है? मार्फोमी। लेकिन साउंड का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाएगा? फोनोमी। ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी ध्यान में रखना, हो सकता है पूछ ले हम। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को हमको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, उसके अनुसार हमारा सेंटेंस क्या होता है, सही और गलत होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है ना, उसके बाद जो आगे क्लास रहेगी वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए।